हेलो दोस्तों, और आज हम ट्राई करने वाले हैं कमला नगर के डिफरेंट डिफरेंट कुजींस और स्ट्रीट फूड। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम गए डोलमा आंटी के यहाँ। तो यहाँ पर हमने खाए चिकन मोमोज और पनीर मोमोज। ये देखिए कितने बढ़िया हैं यहाँ पे, और अगर आप जाएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद हमने ट्राई किया है, ये है चिकन लाफिंग, जिसमें सबसे पहले कि सोया के ग्रेन्यूल्स डाल दिए जाते हैं, उसके बाद चिकन मिंस डाला जाता है। और ये देखिए ब्रेड तैयार हो गई है, इसमें आप अपने हिसाब से चटनी डलवा सकते हैं, स्पाइसी या फिर माइल्ड स्पाइसी। ये देखिए अब ये तैयार हो गए, कट कर दिया गया है, और ये भी मैडम हमें सर्व कर देंगी। ये देखिए ये हो गए हमारे चिकन लाफिंग तैयार, और ये खाने में बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो अगर आप जाएं कभी कमला नगर में तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मैकडोनल्ड्स के पीछे है, तो आप देख सकते हैं ये रे चिकन लाफिंग। और उसके बाद हमने ट्राई किए ये पनीर टिक्का, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये 140 रुपीज़ की प्लेट है यहाँ पे पनीर टिक्का की, ये आपको स्पार्क मॉल के अपोजिट मिल जाएंगे, और ये बहुत ही बढ़िया देते हैं भैया। ये देखिए ये बनके तैयार हो गए हैं, प्याज के लच्छे और चटनी देते हैं साथ में, ऊपर से नींबू डलवा के। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तो अगर आप जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिए इसको भी। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये रही इनकी हरी चटनी, और ये देखिए ये बन गए हैं हमारे पनीर टिक्का। नेक्स्ट आता है हमारी चिकन बिरयानी, जो कि है जायका चिकन बिरयानी, जहाँ पर है मुरादाबादी चिकन बिरयानी और हैदराबादी चिकन बिरयानी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हर एक घंटे में रिफ़िल होती है, तो अगर आप कमला नगर में हैं तो आप ये जाके ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपको मैकडी वाली और KFC वाली लेन में लास्ट में मिलेंगे, और ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। और यहाँ पर यह है चाय बे, यहाँ पे आप 20-20 रुपए और 15 रुपए की कॉफ़ी और चाय दोनों ले सकते हैं। मैं कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, मैंने वो ट्राई किया। और यहाँ पे एक चाट स्ट्रीट भी है, जो कि आपको स्पार्क मॉल के अपोजिट मिलेगी, जहाँ पर आपको डिलीशियस ब्रेड पकोड़े, मूंग दाल पकोड़े, पनीर टिक्के और बहुत सारे अलग अलग व्यंजन मिल जाएंगे खाने के लिए, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने मिर्च का पकौड़ा लिया, बहुत बढ़िया था। और यहाँ पर शवरमा वाला भी है, ये आपको मैकडी की लेन में ही मिलेगा। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये शवरमा तैयार हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले मेयोनीज डलवा दी है, और इसके बाद ये मिंस चिकन उसमें डाला जाएगा। ये देखिए चिकन मिंस किया जा रहा है, और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ये 80 रुपीज़ की प्लेट है, पहले ये 70 का होता था, तो अब 80 का हो गया है। तो अगर आप चाहे तो और मेयोनीज डलवा सकते हैं, लेकिन मुझे मेयोनीज कम पसंद है, तो मैंने मेयोनीज नहीं डलवाई ज़्यादा। तो ये मेरा चिकन शवरमा भी तैयार हो गया है, और ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब था। ये देखिए, और लास्ट में आपको अगर चाय पीनी है तो ये आप नागौरी ज़रूर जाएं, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग टेस्ट की चाय मिलती है, पाइनएप्पल टी, तो जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सबसे फेमस रावलपिंडी के छोले भटूरे, यहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है, तो संडे को तो मिलते नहीं हैं, तो अगर आप जाएंगे तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और ये छोले भटूरे लेने हैं तो आपको 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 70 और 80 रुपीज़ तक देने पड़ेंगे। तो ये ओके हैं, मुझे इससे बेटर और भी जगह मिलने हैं, तो मैंने खाए हैं तो मुझे ठीक ठाक लगे, लेकिन ट्राई तो करना बनता है, तो ज़रूर ट्राई की।